Welcome back on Agenda. We are coming to you with Meesa Bharti, who is taking questions from the young audience that we have over here. Before we go to them, I wanted to just ask you, Meesa ji, that lot is being made out about the increased women turnout. In fact, in the first phase, they outnumbered the men. Why do you think that is? ये 2010 के जब चुनाव हुए थे विधानसभा के समय, उस समय भी देखा गया था वुमेन टर्नआउट बहुत ज्यादा थी. कहीं ना कहीं ये गठबंधन के पक्ष में, क्योंकि अभी नीतीश जी हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं जो नीतीश जी ने आरक्षण देने का काम किया, जो लड़कियों की साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, जो एक एजुकेशन की तरफ उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं. लेट मी आस्क द वुमेन टू गेट द क्वेश्चंस. या गो अहेड. अगर आपकी सरकार बनती है इस बार, तो क्या वुमेन्स के लिए ऐसा कोई प्रोटेक्शन, जो कि आप बिहार में देखते हो कहीं पर वुमेन्स का कोई भी सेफ्टी, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए क्या आपका कुछ प्लानिंग है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए परफेक्ट हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वुमेन्स के लिए. आप देखिए, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर वुमेन के ऊपर कितना क्राइम हो रहा है. बिहार के अंदर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उन स्टेट के मुकाबले बिहार में बहुत कम है क्राइम रेट. आज आप देखो, हमारा क्राइम रेट आप उठा करके देखो तो 22वां स्थान है महिलाओं के ऊपर क्राइम रेट का बिहार का. वहां पे आप मध्य प्रदेश शायद तीसरे नंबर पे है. मध्य प्रदेश नंबर वन है, स्टेट वाइज नंबर वन है. तो मैम, जैसे नीतीश जी की सरकार बनी थी, उस टाइम महिलाओं को बहुत ज्यादा आरक्षण दिया गया था, सब कुछ में प्रेफरेंस दिया गया था. क्या गठबंधन के बाद फिर से वैसा हो सकता है कि वुमेन्स को ज्यादा? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को तो दिया ही है जो आरक्षण, उसकी देन है कि आज हर एक पंचायत में जो मुखिया है वो महिला है और पढ़ी लिखी महिला है, जो उनको आगे आने का मौका नीतीश कुमार जी ने दिया. अबाउट ऑल दिस वुमेन्स इश्यूज, ये आपसे पूछना चाहती थी कि मोदी जी ने जो कहा उस टाइम कि उन्होंने सेट कर लिया, आप उससे बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन चुनाव में तो ये होता रहता है, क्या वजह है कि आप इतना ज्यादा उससे अपसेट थी? मैं अपसेट थी, मैं खुद कुछ इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मोदी जी से किसी तरह के शब्द की मुझे अपेक्षा थी. वो किसी नारी का वो सम्मान कर ही नहीं सकते हैं. पहला इसलिए भी मैं कहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को जब सम्मान नहीं दिया, तो मीशा हो चाहे देश की कोई भी नारी हो, किसी का वो सम्मान कर नहीं सकते. उसका कारण भी है, क्योंकि वो एक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और आरएसएस में महिलाओं का स्थान सिर्फ उनके नेताओं का पैर धोने तक ही है. ये आप मोहन भागवत जी से लेके जितने भी आरएसएस के प्रचारक हैं, नेता हैं, महिलाओं का सिर्फ इतना ही स्थान है आरएसएस के अंदर कि वो उनका सिर्फ पैर धोती हैं. दूसरा, वो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, नौबतपुर विक्रम विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां उन्होंने कहा कि बेचारी को सेट करना चाह रहे थे, सेट नहीं कर पाए. आप बताओ, चुनाव में कितने बेचारे और बेचारियों को मोदी जी ने सेट कर रखा है केंद्र में? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती किसी के लिए, लेकिन एक सेट करने जैसा शब्द महिला के लिए अपमानजनक शब्द है, अशोभनीय शब्द है. और मैंने कहा कि अगर आप सेट करना ही चाहते हैं मोदी जी, तो जो हमारे नौजवान हैं उनको कहीं सेट करिए. सेट करना चाहते हैं जो दाल की कीमत बढ़ी है उसको सेट करिए. सेट करना चाहते हैं तो आपके दल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उन भ्रष्टाचारियों को सेट करिए. Well, Meesa Bharti, that's a great. Thank you for sharing your insight with us, and we wish you all the luck on this campaign. And thanks very much. Thank you. Thanks a lot.